हेलो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज प्लानिंग के साथ ये मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाऊंगा कंटेंट आप उसका बुक में से रीड कर लीजिएगा ठीक है यहाँ पर मेन मेन पॉइंट जो मुझे पढ़ाने वो स्लाइड्स में कवरअप किए हैं मैंने आई प्लानिंग सबसे पहले अगर हम बात करें कि एग्जैक्टली exactly प्लानिंग होता क्या है तो देखिए प्लानिंग क्या होता है थिंकिंग इन एडवांस एडवांस में सोचना कि क्या करना है कब करना है कैसे करना है कौन करेगा और विद अ पर्पज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल बेसिकली प्लानिंग का मकसद होता है कि जहाँ हम आज हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं उसके बीच का जो गैप है वो फुलफिल किया जा सके तो आप देखिए जरा प्लानिंग क्या होता है वॉट टू डू हाउ टू डू बाय हुमेंड वेन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू बी ब्रिजेज द कैप प्लानिंग का काम है कि जहाँ पर हम हैं और जहाँ पर हमें पहुँचना है उसके बीच में जो गैप है उस गैप को कौन फुलफिल करता है प्लानिंग तो बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली द प्लानिंग इट प्लानिंग इज व्हाट टू डू हाउ टू डू बाय होम एंड व्हेन इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी ठीक है जी चलिए आगे बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक कम्स आउट टू बी फीचर्स ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं सबसे पहले प्लानिंग फोकस करता है किस पे प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने में फोकस करता है अब कैसे भाई प्लानिंग के अंदर हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि कौन सी सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेटजी कौन से मेथड्स कौन से प्रोसेस कौन से प्रोसीजर्स हमें अडॉप्ट करने हैं तो मैंने आपको देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है हाउ इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है देखें मेन पॉइंट डिसाइडिंग इन एडवांस मेथड्स प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स टू बी टेकन अब ऊपर है कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल अब ये क्या होता है कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीव प्री डिटरमाइंड प्री डिटरमाइंड मतलब जो पहले से डिसाइड गोल है अब वो गोल कैसे अचीव करने हैं वो प्लानिंग हमें बताता है उसके बारे में हम सोचते हैं और उसमें क्या सोचते हैं मेथड्स प्रोसीजर्स एंड स्टेप्स टू बी टेकन तो अगर आप देखें तो सबसे पहला फीचर जो आया फीचर ऑफ प्लानिंग में प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव एंड हाउ इट फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव बाई डिसाइडिंग इन एडवांस द मैथड्स स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स टू बी टेकन और कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स बात समझ में आई इसके बाद अगर हम बात करें प्लानिंग इज प्रोवेसिव प्लानिंग प्रोवेसिव है मतलब प्लानिंग हर जगह चाहिए चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है प्रॉफिट मेकिंग है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है टॉप लेवल मिडिल लेवल लोअर लेवल हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्लानिंग की जरूरत होती है आप देख सकते हैं इट रिक रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स एंड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हर लेवल पे और हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें प्लानिंग की जरूरत चाहिए देखिए टॉप लेवल जैसे अब टॉप लेवल क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल टोटल प्लानिंग करता है मिडल लेवल क्या करता है अपने अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग करता है वेयर एज लोअर लेवल क्या करता है डे टू डे प्लानिंग तो प्लानिंग इज 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 हाउ इट इट बिकॉज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन लॉर लेवल्स एज वेल एज टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल मिडल डज प्लानिंग वेयर एज लोअर लेवल डज डे टू डे प्लानिंग ठीक है जी इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसके फ्रेमवर्क में रह के सारे के सारे फंक्शंस डिसाइड किए जाते हैं मतलब सर देखो आपको कितने रिसोर्सेज चाहिए यह आप प्लान करोगे कंट्रोलिंग सिस्टम क्या होगा ये आप प्लान करोगे डायरेक्टिंग कैसे होगी सुपरविजन कैसे होगा मोटिवेशन कैसे होगा कम्युनिकेशन कैसे होगा ये सब आप प्लान करोगे तो प्लानिंग बेसिकली प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ़ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आप देख सकते हैं मैंने लिखा है फ्रेमवर्क ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग प्रोवाइड करता है देखिए यहाँ पर मैंने सारा मेन एस्पेक्ट कवर अप किया है प्लीज़ एक बार बुक रीड जरूर करिएगा इसमें से जो ये चीज़ें हैं आपको बुक में से मैंने की वर्ड्स निकाल के बना के दिए हैं ठीक है ताकि आपकी थोड़ी सी फास्ट क्या बोलते हैं कम समय में ज़्यादा कवरेज हो सके तो आपको समझ में आया अभी तक जितनी भी मैंने बातें करी हैं सबसे पहले बात करी प्लानिंग है क्या प्लानिंग है क्या थिंकिंग इन एडवांस टू डू थिंकिंग इन एडवांस वाउ टू डू हाउ टू डू बाई हुम एंड वेन इट द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू बी फीचर्स की हम बात करते हैं जब तो फीचर्स के अंदर हमारे पास क्या आता है सबसे प्लानिंग प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव हाउ बाई कॉन्ट्रीब्यूट टू प्री डिटरमाइंड गोल्स बाई डिसाइडिंग इन एडवांस मेथड स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स टू बी टेकन यही था इसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग इज प्रोवेसिव प्रोवेसिव कैसे बिकॉज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वट एवर इट साइज ऑफ लेवल इज ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन एज होल मिडल लेवल डिपार्टमेंट एंड लोअर लेवल डे टू डे उसके बाद प्राइमरी फंक्शन इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने रिसोर्सेज चाहिए कितना लेबर चाहिए कैसे डायरेक्शन कैसे सुपरविजन कैसे कम्युनिकेशन कैसे कंट्रोलिंग समझ में आई बात जो जो बोल रहा हूँ वो सारा बुक के अंदर एज इट इज लिखा हुआ है चलिए प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखिए प्लानिंग जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है मतलब प्लान जो आप करते हो दैट कैन बी फॉर अ क्वार्टर कैन फॉर हाफ ईयर कैन फॉर अ वीक फॉर अ फुल ईयर बट एट द एंड ऑफ विच दोबारा से आपको क्या करनी पड़ेगी न्यू प्लान्स करने पड़ेंगे तो प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है लाइफ टाइम प्लान कभी भी नहीं बनते प्लान्स आर मेड फॉर अ क्वार्टर हाफ ईयर फुल ईयर एट द एंड ऑफ विच न्यू प्लान्स आर रिक्वायर्ड टू बी मेड ठीक है जी इसके बाद है प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक फ्यूचरिस्टिक मतलब प्लानिंग जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है थ्रू एंटिसिपेशन फ्यूचर इवेंट्स आर एंटिसिपेटेड मतलब फ्यूचर में सेल बढ़ेगी कम होगी उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिसाइड करनी है हाउ मच कैन बी प्रोड्यूस हाउ मच कैन बी सेल तो मेन चीज होता है फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या है कि हम एंटिसिपेट करते हैं वट कैन बी

लॉजिकल थिंकिंग चाहिए होती है रादर देन द गेस वर्क जो प्लान होता है ये नहीं कि जो मन में आया वो कर दिया आपको बिजनेस एन्वायरमेंट को समझना होता है होपफुली वो वीडियो आप देख चुके हैं और उसको ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में क्या सरकम हो सकते हैं आप स्कैन करते हो बिज़नेस एन्वायरमेंट को एंड देयर आफ्टर यू डिसाइड दैट दिस शुड बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सो इन्वॉल्व लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रादर देन द गेस वर्क तीन बातें इसके अंदर जो आपको ध्यान रखनी है प्लानिंग के इसमें होती हैं इंटेलिजेंट इमेजिनेशन फोरसाइट एंड साउंड जजमेंट मैंने फिर फिर रिपीट कर रहा हूं क्या बोला मैंने इंटेलिजेंट इमेजिनेशन इंटेलिजेंट इमेजिनेशन मतलब फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है एक सीक्वेंस को लिंक करते हुए सोचना फोरसाइट ओनी फ्यूचर में इवेंट्स को एंटिसिपेट करने की पावर होना प्लस एक साउंड जजमेंट ड्राफ्ट करना ऐसा नहीं है कि आज आप कुछ सोच रहे हो कल आप कुछ सोच रहे हो उससे आपके टीम के बीच में एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा तो देखिए तीन बातें मैंने आपको बताई फोर्थ इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड द लास्ट वन कम्स आउट टू बी साउंड जजमेंट बात समझ में आई आपको आगे देखते हैं अब बात आती है आपकी इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की चलिए ये टॉपिक जो है आ, मैं भी थोड़ी देर में कवर अप करता हूँ आपके साथ आ, अभी आपको फीचर समझ में आ गया फीचर के अंदर पहला क्या था प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव हाउ कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल एंड बाई डिसाइडिंग इन एडवांस मेथड स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स टू बी टेकन नेक्स्ट था प्लानिंग इज प्रवेसिव हाउ इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल लेवल ऑर्गेनाइजेशन टॉप लेवल टॉप लेवल और हैज ए होल डिपार्टमेंटल मिडल लेवल और डे टू डे लोअर लेवल ऐसी ही याद रखना है आपको इसे ठीक है प्राइमरी फंक्शन फ्रेमवर्क फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्लान अ क्वार्टर हाफ ईयर एट द एंड ऑफ विच न्यू प्लान्स आर रिक्वायर्ड फ्यूचरिस्टिक थ्रू एंटीसिपेशन फ्यूचर इवेंट्स आर एंटीसिपेटेड उसके बाद आपने देखा मेंटल एक्सरसाइज इन्वॉल्व लॉजिकल थिंकिंग तीन वर्ड्स फोर साइड इंटेलिजेंट इमेजिनेशन एंड साउंड जजमेंट बात समझ में इसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग अभी रुक जाइए आप इसको अब लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की मैं सबसे पहले बात करूंगा फीचर्स आपने समझ लिए हैं कि प्लानिंग के फीचर्स क्या हैं अब लिमिटेशन की अगर मैं बात करता हूँ लिमिटेशन के अंदर सबसे पहले लिमिटेशन आती है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस एक बार आपका कोई प्लान काम कर गया तो फ्यूचर में भी वो काम करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है देखिए प्लान्स जो हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं आज जो सरकम हैं है दस साल पहले वो सरकम नहीं थे और आज से दस साल बाद वो सरकम नहीं होंगे दस साल तो दौर की बात है आज से एक साल बाद वो सरकम हो ये जरूरी नहीं है तो वंस प्लान वर्क विल वर्क अगेन इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क कि एक बार जिस प्लान ने काम किया है वो बार बार काम करेगा का। ये सोचना बहुत खतरनाक है ध्यान से देखिए वंस प्लान वर्क विल वर्क अगेन दिस इज अ क्वेश्चन मार्क जस्ट प्लानिंग का पक्सद होता है एक बेस प्रोवाइड करना फ्यूचर एनालिसिस के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं प्लानिंग कोई सक्सेस की गारंटी नहीं देती हाँ अगर आपके प्लान सुपर डूपर स्ट्रांग हैं देन ओनली यू कैन गेट द सक्सेस इसके बाद प्लानिंग इज अ कास्टली अफेयर देखिए प्लानिंग के अंदर कॉस्टली अफेयर कैसे है आ, ये आपको एयर दिख रहा होगा इमेज के अंदर फोटो के अंदर यह अफेयर चला गया है प्लानिंग इज कॉस्टली अफेयर कैसे ध्यान से देखिए प्लानिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं डेटा कलेक्ट करना जैसे आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो तो उसे कौन कौन खरीद सकता है उसका एक मार्केट कितनी बड़ी है उसकी डेटा कलेक्शन फिर उसको एनालाइज करना फिर प्रोफेशनल्स के साथ मीटिंग कंडक्ट करना तो फिर बोर्ड रूम मीटिंग्स करना हर स्टेप पर बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है ऐसे ही ओवर द काउंटर बैठ के चीज़ें एनालाइज नहीं होती एक एग्जांपल देता हूँ अभी कैंट का एक नया प्रोडक्ट आया होगा जिसमें आपने देखा होगा वेजिटेबल क्लीनर है वो कि आप वेजिटेबल उसमें रख दो वो वेजिटेबल क्लीन करेगा उस पर जो भी एसिड्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह लग रहे होंगे अभी कि इंडिया में उसका कितना बड़ा मार्केट है इसका पूरा एक एनालाइज़ क्या होगा कि उसे कौन खरीदेगा अपर मिडल क्लास खरीदेगी रिच क्लास खरीदेगी वो कितने में खरीदेंगे उसके लिए कितना पे करेंगे तो इन चीज़ों सब का सबका डेटा कलेक्ट किया जाता है एनालाइज किया जाता है आप देखिए इसमें डेटा कलेक्शन उसके बाद मीटिंग विद एनालाइजिंग द डेटा बोर्ड रूम मीटिंग्स मीटिंग विद प्रोफेशनल्स तो दैट्स वाई ये चार वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। व्हाई इट्स कॉस्टली बिकॉज इट इन्वॉल्व अमाउंट इन डेटा कलेक्शन एनालाइजिंग मीटिंग विद प्रोफेशनल एंड बोर्ड रूम मीटिंग्स ठीक है जी इसके बाद प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कई बार प्लानिंग में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम ही नहीं बचता आप इतने ज़्यादा थाट एक कोई डिसीजन मेकिंग पे पहुँच नहीं पाते हो रीज़न ये होता है सरकम uh, ऐसे दिख रहे होते हैं मतलब प्रैक्टिकली आप शायद इन चीज़ों को अभी एहसास ना कर पाओ जब आप बिजनेस लाइफ में जाओगे आप बेटर समझोगे बट मैं आपको बताऊँ कई बार क्या होता है हम लोग सरकम को एनालाइज़ ही नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली सरकम स्टांसेस हैं क्या और जब तक हम उसे समझते हैं तब तक पता लगता है उसके इंप्लीमेंटेशन का टाइम आ गया मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कई बार क्या होता है जब हम एडवर्टीजमेंट प्लान कर रहे होते हैं या कोई क्रैश कोर्स अनाउंस कर रहे होते हैं तो हमने सोचा कि चलो क्रैश कोर्स अनाउंस करना है उसकी मार्केटिंग करनी है मार्केटिंग में हमें रिजल्ट दिखाना है या किस चीज़ को फोकस uh, करना है मार्केटिंग के अंदर रिजल्ट फोकस करके दिखाना है अपनी मार्केटिंग के अंदर फ़ीस फोकस करके दिखानी है हमें या टाइमिंग फोकस करके

कोई भी नेचुरल uh, डिजास्टर हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं ठीक है आप देखिए आप होपफुली से पढ़ पा रहे हूँ एक कोट है बहुत अच्छा सा आपको पढ़ के थोड़ी सी हंसी आएगी ठीक है अब सपोज प्लास्टिक बैग्स थे अब प्लास्टिक बैग्स गवर्नमेंट ने बैन कर दिए अब या तंबैक जो गुटका वगैरह चला करता था या एल्कोहल प्रोडक्ट्स से काफ़ी स्टेट्स में बैन होते जा रहे हैं तो दीज आर द गवर्नमेंट पॉलिसी जो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है नेचुरल क्लैमिटी ठीक है दीज अफेक्ट्स द प्लानिंग आपकी नेपाल के अंदर देखो अभी पीछे इतना ज़बरदस्त शर्त को भी आया था तो जितने बिजनेस हाउसेज़ थे एक ज़बरदस्त लॉस उनको बियर करना पड़ा ह्यूमन एलिमेंट देखिए जो प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग भी इंसान हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं अनडाउटेडली हो सकता है देखो प्लानिंग करते हुए हम कुछ एजम्पन्स लेते हैं मार्केट uh, सरकम को समझने की कोशिश करते हैं उसके बेसिस पर प्लानिंग की जाती है अब हो सकता है मैंने एजम्पन ले ली फॉर एग्जाम्पल uh, जो मैंने एजम्पन ली वो गलत हो फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ uh, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और मुझे लगता था कि ये प्रोडक्ट कस्टमर इसके लिए 10 से पंद्रह हजार रुपये पे कर देंगे बट जब मैं उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेके गया तो कस्टमर्स आर इवन नॉट रेडी टू तो पे रुपीज़ फाइव थाउजेंड फॉर दैट हो गई मेरी रॉन्ग एजम्पन सारा का सारा फेल हो गया मामला तो दिस इज वॉट ह्यूमन एलिमेंट मुझे लगता है कि मेरी अगले साल दस सेल्स बढ़ेगी बट माइड भी वो बीस परसेंट बढ़े माइड भी वो एक भी ना बढ़े तो प्लानिंग करने वाले अगेन मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन बींग है माइड भी दे मे टेक सर्टेन रॉन्ग एजम्पन जिसकी वजह से सारी की सारी प्लानिंग रखी की रखी रह जाए और आप जब कहते हो कि दैट वी हैव टू थिंक लॉजिकली तो कैन यू प्लीज टेल मी द वट इज़ द वे ऑफ लॉजिकल थिंकिंग क्योंकि वट माइट बी लॉजिकल थिंकिंग फॉर मी मे नॉट बी द लॉजिकल थिंकिंग फॉर यू अगर मैं एक चेन को किसी तरीके से लिंक कर रहा हूँ तो माइट भी उस चेन को आप उस तरीके से लिंक ना कर पाओ एग्जाम्पल के तौर पर गवर्नमेंट ने आजकल एन बुक्स को इतना ज़्यादा फोकस कर दिया है एन सी आर सर्कुलर्स निकल रहे हैं कि सिर्फ एन बुक्स पढ़ाओ अब मुझे ऐसा लगता है यार इससे क्या होगा एज ए ऑथर मेरी बुक्स की सेल कम होगी क्योंकि हर स्कूल में अब एन बुक्स लगेंगी बट मेरी ये गलत हो मे भी ये गलत हो वायस हो क्योंकि अब एन बुक के अंदर उतनी सफिशेंट एक्सप्लेनेशन नहीं है और बच्चे उस केस में उन्हें रेफरेंस बुक परचेज करनी ही पड़ेगी तो ह्यूमन एलिमेंट है सोचने का तरीका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता एक्जम्शन गलत भी हो सकती हैं सही भी हो सकती हैं बात समझ में इसके बाद आपका स्टेप्स है ये मैं आपको बुक में से पढ़ाऊंगा तो मैंने आपको जो अभी तक मेन बातें बतानी थी वो ये बताई प्लानिंग क्या है थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू हाउ टू डू बाय हुम एंड वेन फीचर्स में फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव में कैसे बाइट कॉन्ट्रीब्यूट टू प्री डिटर्माइंड गोल्स एंड बाई डिसाइडिंग इन एडवांस मेथड स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स टू बी टेकन प्रवेसिव ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑल टाइप्स एज ए होल डिपार्टमेंटल डे टू डे फटाफट रिवाइज करो प्राइमरी फंक्शन फ्रेमवर्क फॉर अदर फंशन ऑफ मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूस प्लान्स आर मेड फॉर अयर हाफ ईयर द एंड ऑफ विच न्यू प्लान आर रिक्वायर्ड फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर एंटिसिपेशन के थ्रू फ्यूचर इवेंट्स एंटिसिपेट होते हैं यह स्लाइड्स आपको याद होनी चाहिए बस मेंटल एक्सरसाइज लॉजिकल थिंकिंग फोर साइड इंटेलिजेंट इमेजिनेशन साउट जजमेंट उसके बाद इंपॉर्टेंस ये भी मेरे को आपको बुक में से करवाना है उसके बाद लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस प्रोवाइड जस्ट बेस वंस प्लान विल वर्क अगेन देर इज नॉ गारंटी फॉर दट कॉस्टली अफेयर्स इन डेटा कलेक्शन एनालाइजिंग मीटिंग विद प्रोफेशनल बोर्ड रूम मीटिंग्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस समटाइम इट टेक सो मच ऑफ टाइम दट नो टाइम इज लेफ्ट फॉर इट इम्प्लीमेंटेशन अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स माइट बी गवर्नमेंट पॉलिसी और नेचुरल क्लैमिटीज ह्यूमन एलिमेंट व टेकिंग रॉन्ग एक्जमिशन और वट इज द प्रोसीजर ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एज सच कुछ भी फिक्स है? नहीं है ठीक है जी हेलो फ्रेंड्स इन द पार्ट वन हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ प्लानिंग फीचर्स एंड लिमिटेशन वो मैंने आपको पी पी टी से पढ़ाया था ये उसका टेक्स्ट आपको बुक में मिल रहा होगा आज मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ सबसे पहले स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको प्रिपेयर करना है केस स्टडी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है आई देखिए जब मैं बात करता हूं स्टेप्स इन इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैं आपको बोलता हूं आ, प्लानिंग करते करो करो प्लानिंग भाई करो आपके मन में आया क्या प्लान करना है जी हाँ सबसे पहली चीज यही होती है क्या प्लान करना है मतलब सेट द ऑब्जेक्टिव for which you want to make the plan so first step in the process of planning is the setting objectives objective set karna jiske liye hame planning karni hai objective can be anything Sales बढ़ानी है नई branches खोलनी है internationally अपने business को लेके जाना है uh, प्रोडक्शन स्केल बढ़ाना है क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़ानी है कुछ भी हो सकता है इट कैन बी एनी थिंग बट द वेरी फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इज समथिंग विच द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू अचीव ठीक है जी तो आप देख सकते हैं द फर्स्ट स्टेप इज एंड फेयर मोस्ट स्टेप इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई वट द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू अचीव फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन सेल्स बाय ट्वेंटी परसेंट ठीक है कोशिश की जाती है ऑब्जेक्टिव रिटर्न हो ऑफिशियली सबको बताए जाए ताकि आ, किसी तरीके का कोई कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम ना आए चलिए इसके बाद है आपका डेवलपिंग प्रेमाइसिस अब ये क्या होता है दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ बारों से पिछले कुछ टाइम से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेवलपिंग प्रेमाइसिस क्या होता है इट इज अबाउट टेकिंग सर्टेन एजम्पन्स सर्टेन एजम्पन्स अबाउट मार्केट कंडीशंस जैसे देखिये मैंने आपको बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा दिया होपफुली आप उसकी वीडियो देख चुके हैं उसमें हमने डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एक टॉपिक पढ़ा था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सोशल एनवायरनमेंट इकोनॉमिकल लीगल टेक्नोलॉजिकल तो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है जब आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया आप उसके लिए कुछ प्लानिंग करोगे तो आपको कुछ एजम्शंस लेनी पड़ती है कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है सोशल फैक्टर्स क्या है वहां के टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है पॉलिटिकल फैक्टर क्या है लीगल फैक्टर्स क्या है जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको इंडिया के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को ऐड अगर कर रहे हो तो किसी दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करके नहीं दिखा सकते ठीक है इसको हम कंपटीशन एक 2002 उसको अलाउ नहीं करता लीगल इनवाइ तो अगर आप एक हैवी मार्केटिंग करने जा रहे हो तो आपने एक चीज़ दिमाग में रखी कि यस, हमें कंपटीशन ऐड करनी है अपने प्रोडक्ट की करनी हम कम्पेरिजन करके नहीं दिखा सकते तो या एग्जाम्पल uh, दूं जीएसटी आ रहा है तो जीएसटी को लेके क्या एजमशंस हैं आपकी आपके प्रोडक्ट पे फेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ेगा टेक्नोलॉजीकल चेंजेस uh, आपने कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट मार्केट में उतारा टेक्नोलॉजी को लेके uh, उस इकोनॉमी के अंदर जहां या उस रीजन के अंदर जहां वो प्रोडक्ट सेल आउट करने जा रहे हो या ऑब्जेक्टिव जो आपको अचीव करना है टेक्नोलॉजी का उस उसपे क्या फर्क पड़ेगा तो मेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि डेवलपिंग इज टेकिंग सम प्रीमाइसिस अबाउट द मार्केट कंडीशन दैट वट आर द एक्सपेक्टेड चेंजेस या वट कैन बी द एक्सपेक्टेड चेंजेस when achieving these objectives so see after specifying what the organization wants to achieve managers need to take certain assumptions about market conditions assumptions are the base upon which plans are drawn for example if the increase in sales by 20% the managers need to capture either new markets or increase in existing market for this purpose managers will take the certain assumption about potential left in Ab, for example may already they may operate kar अब मुझे सेल्स ट्वेंटी परसेंट बढ़ानी है दिल्ली में मेरा ही और ज्यादा बढ़ सकता हूँ मुझे दिल्ली में मैं ऑलरेडी सारी मार्केट कैप्चर कर चुका हूँ या मेरा अभी भी कुछ कस्टमर है जिसको मैं कैप्चर कर सकता हूँ तो ये सारी बातें हैं जो एजमशन लेते हैं डेवलपिंग तो इज टेकिंग एजमशन अबाउट द मार्केट कंडीशन उसके बाद आता है आइडेंटिफाइंगनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इसके अंदर क्या होता है आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए एजम्स ले लिया अब आप क्या करते हो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स प्रोसीजर्स डिसाइड करते हो कि किस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो जो भी आपने सेट किए यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ 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 इन द प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट मैंने वहां पर आपको बताया कि येस मैनेजमेंट इज अ साइंस बट ये रिजिड नहीं है फ्लेक्सीबल साइंस है हमें न्यू वेज एज वेल एज ट्रेडिशनल मेथड्स दोनों को इन्वेस्टिगेट करना होता है और जो भी बेस्ट मेथड है डूइंग द जॉब उसको को सेलेक्ट करके अडॉप्ट करना होता है तो यहाँ पर आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स में जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए आप दोनों साइंटिफिक और ट्रेडिशनल मेथड्स इन्वेस्टिगेट करते हो और उनको लिस्ट डाउन करते हो कि देर आर दीज मेथड्स फ्रॉम विच वी कैन अचीव आर ऑब्जेक्टिव जैसे आपको हैवी एडवर्टीजमेंट करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन हैं लिस्ट डाउन करो कि आपके बजट के अंदर क्या क्या, -क्या आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं बेटा इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेस इसके अंदर क्या होता है जो भी हमने अपने ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई किए हैं, उनको हम फिर इवेल्युएट करते हैं मतलब हर किसी का पॉजिटिव क्या है और हर किसी का नेगेटिव क्या है ठीक है हर एस्पेक्ट के कुछ पॉजिटिव पॉइंट होंगे कुछ नेगेटिव होंगे हम उस प्लान को अल्टीमेटली सिलेक्ट करेंगे जो आप अगले उसमें देख सकते हो सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट और सबसे कम नेगेटिव अभी मैं दोबारा वापस आता हूँ इवेलुएटिंग इवेलुएटिंग में हमें क्या करना है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन आर डिस्कस्ड इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट फील्ड्स में हैव डिफरेंट ऑप्शन ऑन मेथड्स आइडेंटिफाइड ऑन सच मैथड्स हेल्प इन फाइंडिंग पॉसिबल कॉन्सिक्वें्पल आपको दिया हुआ है देखिये एग्जाम्पल इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ मैंने सपोज सेल्स uh, बनाने के लिए मैनेजमेंट प्लान कर रहे हैं कि वो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो चेंज करे ताकि कस्टमर के बीच में आप देखते हो गए कई बार जैसे कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं बिस्किट्स हो गया अंकल चिप्स हो गया लेस हो गया कुरकुरे हो गया इनके आता है न्यू पैक एक न्यू पैक कभी किसी की फोटो लगा देंगे कभी किसी की फोटो लगा देंगे एक तरीका होता है जस्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करने का टेस्ट उनका वही है तो अब मैनेजमेंट ने सोचा कि यार सेल्स जो है वो थोड़ी कम होती जा रही है तो शायद कस्टमर पैकिंग से बोर हो गया एक न्यू पैकिंग हमें करनी चाहिए बट वहां पर यह मैनेजमेंट का सोच रहे है बट बट इन डिस्कशन विद मार्केटिंग मैनेजर ये निकल के आया कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम जो है वो आउट सेल्फ आउटलेट पे बिकता है जहां पर कस्टमर ही जाता है सीधे परचेस करता है ठीक है और वो वहां पर सेल्फ आउटलेट में पैकिंग बहुत मैटर करती है क्योंकि एक दिमाग में इमेज आ चुकी होती है मैगी है आपको पता है मैगी येलो कलर के पैकेट के अंदर होगी और उसके ऊपर मैगी का वो बना के उन्होंने रखा होगा कि मैगी बनने के बाद जैसी दिखती है

इसके अंदर ये सबसे बड़ी बात है इस स्टेप के अंदर क्या होता है टॉप लेवल अपने प्लान मिडल लेवल को बताती है और मिडल लेवल जो है वो अपनी फिर डिपार्टमेंटल प्लानिंग करना स्टार्ट करता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लीज इंप्लीमेंटेशन के अंदर टॉप लेवल प्लान मिडल लेवल को बताएगा एंड मिडल लेवल विल स्टार्ट द डूइंग द डिपार्टमेंटल प्लानिंग उसके बाद फॉलो अप फॉलो अप के अंदर यह देखा जाता है कि जो टॉप लेवल ने सोचा था उसके हिसाब से मिडिल लेवल ने प्लानिंग करी और लोअर लेवल जो एक्शन कर रहा है वो टॉप लेवल की बाउंड्रीज के के अंदर ही रह के सारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा फॉलो अप के अंदर टाइम टाइम टू पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि वेदर द एक्चुअल परफॉर्मेंस एक्चुअल वर्क आर गोइंग ऑन विद इन द फ्रेमवर्क वर्क डिजाइंड बाई द टॉप लेवल मैनेजमेंट और नॉट तो बेसिकली अगर आप देखें तो इसके अंदर जितना भी आपने पढ़ा स्टेप्स के अंदर द फर्स्ट वॉज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव दैट इज आप सिंपल लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखना स्टार्ट करो फटाफट ये तो नोट्स हैं ही आपके पास बट तो जो बता रहा हूँ ये आपकी और हेल्प करेंगे फर्स्ट इज दटिंग द ऑब्जेक्टिव्स दैट इज डिसाइडिंग व्हाट टू अचीव नेक्स्ट इज डेवलपिंग प्रमाइसिस दैट इज टेकिंग सर्टेन एजम्पन्स अबाउट द मार्केट कंडीशंस ठीक है उसके बाद था आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज दैट इज

Uh, we have to implement that is top level will communicate to the middle level and middle level will start doing the departmental planning and thereafter we will follow up whether the middle level and lower level are doing their functions are performing their functions within the framework designed by the top level management or not so this is one of the most important topic that we have discussed that is the steps in the process of planning हेलो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान पे प्लानिंग के बाकी सारे पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं और इसके क्विक रिवीजन भी अपलोडेड है ये टाइप्स ऑफ प्लान वाला पार्ट नहीं रह गया है अपलोड नहीं हो पाया था और सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लान पे देखिए uh, बहुत ही सिंपल चीज़ है और एक केस स्टडी आने के चांसेस जनरली होते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ प्लान है देखिए टाइप्स ऑफ प्लान की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप ऑफ प्लान आता है दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता क्या है सिंपल वर्ड्स में अगर ये प्लीज सारा कंटेंट आप नोट कर लीजिएगा और अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक है तो उसमें सारा आपके पास ये कंटेंट होगा बुक आप एमेजोन के थ्रू मंगा सकते हैं अगर आपके पास बुक नहीं है आइए ऑब्जेक्टिव uh, होता क्या है ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है ऑर्गेनाइजेशन क्या टारगेट्स अचीव करना चाहती है उसी को हम क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिए ऑब्जेक्टिव और गोल में बहुत डिफरेंस होता है क्या डिफरेंस होता है ऑब्जेक्टिव एंड गोल के अंदर अगर मैं बात करूं सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया कि वो एक्सपेंशन करेगी तो एक्सपेंशन किया इज अ गोल बट वो कहते हैं कि वी वॉन्ट टू एक्सपेंड आर बिजनेस बाय ओपनिंग ट्वेंटी न्यू ब्रांचेस

एक न्यूमेरिकल टर्म्स में आ गया कि 20 ब्रांचे खोलकर एक्सपेंशन करना है तो ऑब्जेक्टिव बन गया तो ये लाइन आप देखिए जरा मैंने स्पेशली लिखी है ऑब्जेक्टिव और होता क्या इट स्पेसिफाई वॉट द ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट टू अचीव विदलेबल स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एक्साम्पल फॉम वॉन्ट टू अन्टेन परसेंट प्रॉफिट ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट जहां नुमेरिका गया और आप कुछ अचीव करना चाहते हैं इट्स ऑब्जेक्टिव नुमैरिक नहीं है तो इट्स अ गोल ऑब्जेक्टिव में भी रिलेटेड अब ऑब्जेक्टिव आपने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं तीन तरह के होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सोशल और पर्सनल तो देखिए ऑब्जेक्टिव में भी रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ सोसाइटी ओपनिंग न्यू हॉस्पिटल स्कूल्स एंड इंडिविजुअल्स प्रोवाइडिंग टेन परसेंट इंक्रीमेंट इन सैलरी वर्किंग इन ऑर्गेज हाउ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइम फोकस होगा आप खुद बताइए किस पर होगा ऑर्गेनाइजेशनल पे सोशल पे या पर्सनल पे तो ऑब्वियस है ऑर्गेनाइजेशनल पे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट रिमेंस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर देखिए अगर ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट ही नहीं आ रहे हैं तो क्या सोशल और क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे तो इसलिए मैंने लिखा इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ अदर ऑब्जेक्टिव एंड मेन पॉइंट ये आपका केस स्टडी आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करेगा इन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड रिक्वायर्ड टू बी अचीव इन अ गिवन टाइम पीरियड सपोज आपके पास एक स्टेटमेंट आ गई कि

हाउ वी हैव टू अचीव इज स्ट्रैटी द एक्शन प्लान इट्स अ डिसीजन मेकिंग कि हम कौन सा जैसा हम अपने पढ़ा था प्लानिंग के प्रोसेस में कि बहुत सारे प्लान्स आइडेंटिफाई करते हैं और एक बेस्ट प्लान सिलेक्ट करते हैं तो दैट इज नथिंग बट द स्ट्रैटीज सेक्शन देखिए स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान मेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मेन ये है इट रेफर्स टू द फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन लॉन्ग रन ये पॉइंट है क्या ध्यान से समझे अगर आपकी स्ट्रैटेजी स्ट्रांग है मतलब हाउ टू अचीव वो जो प्लानिंग है हाउ टू अचीव जो आपने एक प्लानिंग करिए हाउ टू अचीव के लिए वो स्ट्रांग है तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग रन के अंदर स्कोप देखने को मिलेगा अदरवाइज लॉन्ग रन के अंदर शायद आप अपना मार्केट शेयर मेंटेन ना कर पाओ और आपको मार्केट से बाहर होना पड़े तो देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज इसे कोट करनी एग्जाम में इट रेफर्स टू द डिसीजन मेकिंग डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड स्कोप इन लॉन्ग रन आप यहाँ पे लिख भी लीजिए ऑब्जेक्टिव क्या है वॉट टू अचीव स्ट्रेटेजी क्या है हाउ टू अचीव दैट इज द एक्शन प्लान ठीक है uh, इसके अंदर अब जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो देखिए स्ट्रैटेजी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के लिए बनाई जाती है जैसे मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी कैसे हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है कैसे uh, उसकी प्राइसिंग करनी है कैसे उसको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे अवेलेबल करवाना है उसकी लेबलिंग कैसे करनी है उसकी ब्रांडिंग कैसे, कैसे करनी है अपने मार्केट चैप्टर में जितने कंपोनेंट्स पड़े हैं वो सारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी कौन सा रॉ मटेरियल लगाना है उसका प्राइस क्या होगा क्वालिटी चेक्स किस तरीके से करते हैं तो बिजनेस फंक्शन जितने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनस होते हैं प्रोडक्शन हो गया मार्केट हो गया एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ठीक है फाइनेंस हो गया तो हमें सबके लिए अपनी अलग अलग एक्शन प्लान बनाने पड़ते हैं और वो एक्शन प्लान जो बनते हैं वही क्या कहलाती है स्ट्रेटेजी तो मैंने यहां पर लिखा है एग्जाम्पल दिया आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में क्या क्या आ सकता है ठीक है या प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में क्या क्या आ सकता है तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजी क्या है सबसे पहले हमने अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया उसके बाद हमने एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट किया वो जो कोर्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट किया दैट इज अ स्ट्रैटेजी और उसके बाद हम अपने रिसोर्सेज उस एक्शन के ऊपर एलोकेट कर देते हैं तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी की तीन डायमेंशनस है ये लिंक इससे है पहले डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पे फिर उसके बाद जो कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट किया वो अपने आप में स्ट्रैटेजी और वो अल्टीमेटली कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या किया एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव तो आपको दो पॉइंट्स में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऑब्जेक्टिव बोलो निकम्मो वट टू अचीव स्ट्रेटेजी हाउ टू अचीव नेक्स्ट इज पॉलिसी पॉलिसी क्या होता है देखिए सबसे बड़ी चीज पॉलिसी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मैटर्स के लिए बनाई जाती है जहां आपको मैं एक डिफरेंस बताऊँ स्ट्रेटजी आपने बताया एक्शन प्लान जबकि पॉलिसी है प्रिंसिपल फॉर एक्शन प्रिंसिपल फॉर एक्शन ये मेरा जरा वर्ड्स याद रखना पॉलिसी इज प्रिंसिपल फॉर एक्शन मतलब जो भी आप काम करोगे जो भी आप काम करोगे उसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स अब सर वो भी काम करोगे उसके बेसिक प्रिंसिपल दिमाग में दर्द हो रहा है ध्यान से समझना यहाँ पर मैं आपको एक छोटे से चार्ट लेके जाऊँगा उससे आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी आप दो मिनट के लिए अब आप मैं आपको एक चार्ट पे लेके जाता हूं देखिए हमने ऑब्जेक्टिव बनाया ऑब्जेक्टिव के बाद हमारे पास क्या आ गई स्ट्रैटेजी आ गई अब स्ट्रेटेजी जो भी हमने बनाई है उसको जैसे आपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं देखो एग्जाम्पल से ये समझ में आएगा अदरवाइज आपको कंफ्यूजन रहेगा और इस वीडियो के बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे मैं यही आपसे चाहता हूं तो प्लीज ध्यान से सुनिए आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में ब्रांडिंग होगी लेबलिंग होगी वगैरह वगैरह प्रमोशन होगा प्राइजिंग होगी येस ऑन नो तो एक बात बताओ Uh, जब आपने स्ट्रैटेजी बनाई है मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी तो सबसे पहले आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दोगे या प्रोडक्ट uh, की पैकेजिंग डिसाइड करोगे उसकी लेबलिंग डिसाइड करोगे ऑब्वियसली सर पहले पैकेजिंग डिसाइड होगी लेबलिंग डिसाइड होगी उसका ब्रांड नेम डिसाइड होगा उसके बाद जब ये सब चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी तो उसके बाद ही वो नेक्स्ट स्टेप पर आएगा दैट इज़ उसके प्राइजिंग डिसाइड होगी कैसे उसे अवेलेबल करवाना ये डिसाइड होगा और लास्ट स्टेज में वो जाके प्रमोशन होगा कि उसका हमें प्रमोशन किस तरीके से करना है मतलब वट एवर स्ट्रैटेजी यू हैव मेड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे एक सीरीज ऑफ स्टेप्स के अंदर यस और नो हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहले क्या करेंगे पैकेजिंग डिसाइड करेंगे फिर लेबलिंग डिसाइड करेंगे फिर ब्रांडिंग डिसाइड करेंगे फिर उसके बाद किस तरीके से उसकी प्राइजिंग करनी है किस तरीके से उसे अवेलेबल करवाना है ये पांच क्वेश्चन जब हमारे फाइनली डिसाइड हो जाएंगे तो हम सोचेंगे कि उसे प्रमोट कैसे करना यही होगा तरीका तो मतलब स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है वो स्ट्रैटेजी हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको स्टेप्स के अंदर स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप फाइव वो स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप फोर स्टेप फाइव कहलाता है प्रोसीजर क्या कहलाता है वो आपका प्रोसीजर अभी मैं पॉलिसी पे नहीं हूं आप कंफ्यूज मत होना प्रोसीजर क्या है प्रोसीजर इज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स सीरीज ऑफ स्टेप्स जिससे हम अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने वाले हैं जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होंगे दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोसीजर बट इन सीरीज ऑफ स्टेप्स जो आपने अपने डिज़ाइन किए हैं ये सीरीज ऑफ स्टेप्स एक गाइडलाइन के तहत बनाए जाते हैं एक गाइडलाइन के अंदर काम करते हैं और वो गाइडलाइंस कहलाती हैं पॉलिसी आप देखो मैंने प्रोसीजर से ये डायग्राम लिया है टू बी डिज़ाइन विद इन द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय पॉलिसीज टू बी डिज़ाइंड विद इन द फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय पॉलिसी फॉर एग्जाम्पल हमारी पॉलिसी है कस्टमर uh, सेटिस्फेक्शन मैं आपको बोलता हूँ एक हमारा सबसे बड़ी पॉलिसी है कस्टमर सेटिस्फेक्शन कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए बट हमने पैकेजिंग जो बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि उससे कस्टमर को थोड़ी बहुत चोट लग सकती है कोई उसमें नुकीला प्रो नुकीली सी चीज़ लगा दी या कुछ स्टेपलर लगा दिया कुछ इस तरीके का पैकेजिंग हो गया जिससे कस्टमर को चोट लग सकती है और शायद कस्टमर उतना सेटिस्फाई ना हो तो आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टेप्स बनाए दैट इज द प्रोसीजर बट फॉर एवरी स्टेप देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस एंड दैट गाइडलाइंस इज नथिंग बट द पॉलिसी बात समझ में आ रही है तो मैं आपको पॉलिसी और प्रोसीजर दोनों इसलिए इकट्ठे पढ़ा रहा था आइए जरा वापसी आप देख सकते हैं यहां पर पॉलिसी पॉलिसी इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन विच गाइड्स डे टू डे डिस इट इज अ जनल स्टेटमेंट दट गाइड्स फॉर इंटरनल मैटर ऑफ एनी प्रॉब्लम और सिचुएशन इट डिफाइन्स दीज इन कैन बी मेड और मैं आपको यहीं पर एक बार प्रोसीजर पढ़ाना चाहूंगा प्रोसीजर्स आर द सीरीज ऑफ स्टेप्स विच आर टेकन इन स्पेसिफिक सिचुएशन दे आर डिजाइन टू एक्जीक्यूट द पॉलिसी एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव तो बेसिकली आपको होपफुल ये यहां तक सारी बातें समझ में आनी चाहिए वट टू अचीव ऑब्जेक्टिव हाउ टू अचीव स्ट्रैटेजी द हाउ टू अचीव के जो स्टेप्स आपके बनेंगे द सीक्वेंशियल स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटी इज नथिंग बट द प्रोसीजर एंड दीज प्रोसीजर्स विल बी गाइडेड बाय द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज काफी तरीके से हो सकते हैं किस किस चीज से मैं आपको यहां पर बता दू एक्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल द रिक्रूटमेंट पॉलिसी अब रिक्रूटमेंट पॉलिसी के एग्जाम्पल के तौर पर सुपोज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मैं एग्जाम्पल लेता हूं अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हमें सबसे पहले क्या बोलते हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग करवानी है अब अगर हमें प्रोडक्ट की पैकेजिंग सबसे पहले करवानी है तो पैकेजिंग के लिए हमने क्या किया सपोज़ आउटसोर्स किया कि हम पैकेजिंग बाहर से करवाएंगे तो हमने आ, क्या बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रपोजल स्टैंडर्ड्स वगैरह मंगाए और उनको एनालाइज़ किया और हमारे दिमाग के अंदर यह है कि जो हमारा पैकेजिंग है उसका बजट पंद्रह रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए इट शुड बी वेरी मच अट्रैक्टिव मार्केट में जितने कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अच्छी होनी चाहिए तो हमने उनके लिए एक पॉलिसी डिजाइन करी दैट इज वॉट कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट पॉलिसी फॉर द पैकेजिंग पर्सन जो कि जिसको हम पैकेजिंग के लिए अपॉइंट करेंगे समझ में आ रही है बात एक पर्सन ऑर्गेनाइज अच्छा यहां पर आपने पंद्रह से ऊपर आपका बजट भी नहीं जाना चाहिए तो आपने उसकी प्राइसिंग पॉलिसी भी बना दी तो पॉलिसी किसी भी इंटरनल मैटर से रिलेटेड हो सकती है और पॉलिसी जो होती है वो कोई एक बंदा बैठ के नहीं बनाता पूरी मैनेजमेंट के बंदे बैठते हैं उस पर एग्री करते हैं और उसके बाद ही उसको बनाया जाता है और बेसिकली इट्स अ बाउंड्री जिसके अंदर रह के हमें सारे के सारे डिसीजंस लेने हैं जनरली पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे रिक्रूटमेंट पॉलिसी रिटायरमेंट प्राइजिंग परचेज ये सब वर्ड उसके अंदर होंगे तो होपफुली आपको ये चार चीजें क्लियर हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रेटेजी क्या है प्रोसीजर्स क्या है पॉलिसी क्या है बोलो बेटा ऑब्जेक्टिव वट टू अचीव स्ट्रेटेजी हाउ टू अचीव हाउ टू अचीव के जो स्टेप्स बनेंगे स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री वो क्या है प्रोसीजर और ये प्रोसीजर्स किसकी गाइडलाइन में काम करेंगे सर पॉलिसी की तो पॉलिसीज आर द गाइडलाइंस इन विच इन विच डिस कैन बी टेकन अब जब आपने प्रोसीजर बना दिए तो हर प्रोसीजर का एक अपना मेथड होता है प्रोसीजर का अपना मेथड होता है अब सर ये क्या वाली चीज़ होगी ध्यान से समझना जरा देखो सपोज वही मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हमने क्या सोचा कि वी विल डिसाइड द पैकेजिंग पैकेजिंग के अंदर अब आ, क्या बोलते हैं पैकेजिंग के अंदर क्या मेथड वन मेथड टू जरा समझते हैं पैकेजिंग के अंदर हमने सोचा यार हम अपना प्रोडक्ट कैसे पैक करें उसके अंदर टेट्रा पैक में पैक करें वुडन बॉक्स में पैक करें मेथड वन दिस मेथड वन टू दिस मेथड थ्री दिस मतलब देयर कैन बी वेरियस मेथड्स फॉर एवरी स्टेप एंड यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब तो बेसिकली अगर आप इस चार्ट को भी देखें मैंने इस चार्ट के अंदर लिखा है ऑब्जेक्टिव

प्लीज आपको चीजें दिमाग में धीरे धीरे क्लियर होनी शुरू होंगी आप जब भी एग्जाम में केस स्टडी कर रहे हैं तो शुरू से आइए कि ऑब्जेक्टिव क्या है वट टू अचीव है नहीं है हाउ टू अचीव या उसका स्टेप है और स्टेप के अंदर भी उसके क्या है मेथड्स हैं बात समझ में आ रही है मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं होपफुली आपके दिमाग में जा रहा हूं तो मेथड्स क्या है मेथड्स प्रोवाइड्स द वे

बेस्ट रिजल्ट और प्लीज ये डायग्राम के आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा एक एग्जाम्पल दिया है तो ट्रेनिंग देने के इंप्लाइज को दो तरीके होते हैं ऑनलाइन मेथड और ऑफलाइन मेथड तो बेसिकली हर स्टेप के अंदर स्टेप के अंदर जब ऑल्टरनेटिव निकलते हैं तो वो क्या बन जाता है ध्यान से देखें आपने ये चार बातें समझ ली ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी प्रोसीजर मेथड और मेथड किसके अंदर काम करते हैं पॉलिसीज के डिजाइन और जैसे प्रोसीजर जो है वो पॉलिसीज के अंदर रह के काम करेंगे सेम वे मेथड जो है टू बी अप्लाइड विद द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल आपको कॉलेज का फॉर्म भरना है फॉर्म भरना है उसका मेथड है ऑनलाइन या ऑफलाइन बट सपोज अगर वो ऑफलाइन सेलेक्ट किया गया और उसके टाइमिंग्स टेन टू फाइव रखेगा और शाम को आप सात बजे कॉलेज की बिल्डिंग के खड़े आगे खड़े होकर तमाशा कर रहे हैं कि नहीं मैं तो फॉर्म भर के ही रहूंगा तो आप क्या कर रहे हैं आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं आप टेन टू फाइव के अंदर नहीं आए जो कि ऑफलाइन फॉर्म भरने के टाइमिंग्स थे तो बेसिकली जो भी मेथड आप सिलेक्ट करते हैं उसके कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसके अंदर रहकर आपको काम करना होता है uh, मैं एग्जांपल देता हूँ मेरी प्रोडक्शन uh, स्ट्रेटजी बनी ठीक है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी के अंदर हमने ये मेथड बनाया कि तीन शिफ्ट के अंदर काम होगा मॉर्निंग इवनिंग uh, और लेट नाइट इस तरीके से काम होगा अब मॉर्निंग इवनिंग और लेट नाइट के जो हमने तीन शिफ्ट बनाए मेथड्स डिज़ाइन किए उसके अंदर हमने टाइम रखा कि इतने बजे ही आना है और पासज़ लेके आने हैं प्रॉपर ड्रेस के अंदर आना है और जितने भी प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट है वो आपको पहन के आने हैं तो ये सारे के सारे क्या इंडिकेट करते हैं रूल इंडिकेट करते हैं तो रूल्स आर द स्टैंडिंग प्लान स्टैंडिंग प्लान क्या होता है जो वक्त के साथ चेंज नहीं होते ठीक है और सिंगल यूज प्लान क्या होते हैं जो एक बार यूज किया खत्म उसके बारे में लेटर ऑन बताऊंगा स्टैंडिंग प्लान जो वक्त के साथ चेंज नहीं होते एक बार आपने बना दिया वो बने रहेंगे ठीक है वट शुड और शुड नॉट बी डन तो प्लीज आप मेरा ये चार्ट याद रखेंगे आपकी केस स्टडी हेल्प सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी बड़ी मेहनत से और तरीके से आपके लिए बनाया है ये ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी प्रोसीजर मेथड्स प्रोसीजर आर गाइडेड बाय पॉलिसीज एंड मेथड्स टू बी अप्लाइड विद द रूल्स इसके बाद जो लास्ट जो हमारे पास बचते हैं दैट इज़ द प्रोग्राम एंड बजट बहुत सिंपल है प्रोग्राम क्या होता है प्रोग्राम एक बिजनेस की सेपरेट लाइन ऑफ एक्टिविटी है सेपरेट लाइन ऑफ एक्टिविटी सर इसका मतलब क्या है एग्जाम्पल के तौर पर देखिए मैं कोचिंग देता हूँ मेरा काम है बच्चों को कोचिंग देना उन्हें पढ़ाना बट एक साइड में यूट्यूबिंग करता हूँ ताकि एक नेम क्रिएट हो सके लोग मेरे बारे में जान सकें तो ये मेरा एक प्रोग्राम है ठीक है मतलब एक सेपरेट लाइन ऑफ एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ या मैं बुक्स लिखता हूँ बुक्स लिखता हूँ कि ठीक है मैं अपनी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकूँ तो ये दो एक्टिविटीज़ मैं एक अलग से कर रहा हूँ जिसके लिए मैं जो भी टाइम मिलता है वो डिवोट करने की कोशिश करता हूँ बट प्राइम फोकस कि हाँ कोचिंग मुझे कब पढ़ानी है कोचिंग के ऊपर फोकस करना है तो प्रोग्राम क्या है एक सेपरेट लाइन ऑफ एक्टिविटी एंड रन फॉर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पब्लिक रिलेशन जैसे यूट्यूबिंग दिस इज़ फॉर वॉट दिस इज़ फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉक पब्लिक रिलेशन जैसे एग्जाम्पल एस बी आई का मैंने इसके अंदर दिया हुआ है कि एस बी आई एस एच बैकिंग के अंदर है बट काफ़ी स्लम एरियाज़ के अंदर दे आर एजुकेटिंग द चिल्ड्रन दे आर रनिंग दॉस्पिटल्स एंड एम्बुलेंसेज ताकि एक पब्लिक इमेज क्रिएट हो कि हाँ एस बी ऐसी कमा के अपने घर लेके नहीं जाता तो प्रोग्राम क्या है बिजनेस की एक सेपरेट लाइन ऑफ एक्टिविटी है क्वेश्चन वो आपको देगा एक्सवाइजर लिमिटेड है मैनुफैक्चरिंग के अंदर काम कर रही है अब वो काम चाहते हैं सोसाइटी का ऐसे 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 भला करें या एक नई एक्टिविटी में आए जिससे पी उनका स्ट्रांग हो तो बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो एक प्रोग्राम है मेजर और माइनर मेजर क्या होते हैं जो एक लार्ज स्केल पे चलाए जाए माइनर जो एक स्मॉल लेवल पे चलाए जाए ठीक है मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो फिर बजट ये सारा आप एक बार पढ़ लीजिएगा बजट क्या होता है बजट एक स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर एग्जांपल मैंने बनाया कि जन में कितनी सेल आनी चाहिए फेब में कितनी आनी चाहिए मार्च में कितनी आनी चाहिए अप्रैल में कितनी आनी चाहिए दैट इज बजट एक टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं और उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं सपोज मैंने अगले तीन महीने का बजट बनाया तो वो सिर्फ अगले तीन महीने के लिए एप्लीकेबल है तीन महीने खत्म होते हैं उसके साथ उसकी वैल्यू जीरो हो गई तो दिस इज कॉल्ड ए सिंगल यूज प्लान सिंगल यूज प्लान मतलब जो सिर्फ आप एक ही बार यूज कर सकते हो उसे बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा बजट कैश का बन सकता है सेल्स का परचेज का प्रोडक्शन का कभी इसके अंदर हमें दिक्कत दिक्कत आती भी नहीं है वैसे बड़ा क्लियर समझ में आता है एक बार ये आप डिफरेंस देख लीजिएगा तो होपफुली आपको सारे के सारे टाइप्स ऑफ प्लान क्लियर है मैं आपके दिमाग में डाल पाया कौन कौन से प्लान थे बेटा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव फटाफट -फड़ रिपीट कर लेते हैं व्हाट टू अचीव स्ट्रैटेजी हाउ टू अचीव उस हाउ टू अचीव के जो स्टेप्स हैं प्रोसीजर वो किसके साथ गाइडलाइन में अप्लाई होंगे पॉलिसी की और जो उसके मेथड्स हैं मतलब जो स्टेप्स हैं स्टेप्स कितने तरीके से हो सकते हैं वो मेथड्स है, और मेथड्स अप्लाई होंगे विद रूल्स और उसके बाद दो चीज़ें और हैं एक प्रोग्राम और एक बजट और सिंगल यूज़ और स्टैंडिंग प्लान ये आपके सामने पूरा का पूरा था बाकी इसके ऑलरेडी तीनों पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजिंग आपके पास ऑलरेडी पूरा है स्टाफिंग पूरा अपलोड कर रखा है कंट्रोलिंग पूरा अपलोड कर रखा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑलरेडी आपके पास है वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड गूगल पर जाके वन यू विल टाइप चंदन पोदार और ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी तो वो रिव्यूज के लिए पूछेगा जो आपको पसंद है वहाँ पे प्लीज़ हमें रिव्यू जरूर करें थैंक यू सो मच